तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने कैलकुलेटर, मतलब कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप किसी रेडियन वैल्यू को किसी डिग्री में या ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी डिग्री वैल्यू को रेडियन या ग्रेडियंट में कर सकते हैं चेंज। तो ये बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चेक करना है कि आपका जो कैलकुलेटर है वो किस मोड में है। तो अभी तो नॉर्मल मोड में है और यहाँ पर ऊपर देखिए डिग्री लिखा हुआ है। तो अगर आप जैसे डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन से, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सबसे पहले आप किसी नंबर को इंटर करवा लीजिए जिसको आप चेंज करना है। तो सपोज दैट हमको 56 को, जो कि रेडियन वैल्यू है, इसको चेंज करना है हमें डिग्री में। तो सबसे पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दें, तब तो हम डिग्री में चेंज कर पाएंगे ना। तो अभी तो सिर्फ एक नॉर्मल वैल्यू की तरह है, तो अगर इसको हमको रेडियन फॉर्म में लिखना होगा तो हमको शिफ्ट द बटन दबा के और यहाँ पर जो ये आंसर लिखा हुआ है इसके ऊपर दबाना होगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी आर जी है, मतलब कि डी से डिग्री होता है, आर से रेडियन और जी से ग्रेडियंट। तो अगर जैसे आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप पहले 2 दबा दीजिए और ये देखिए 56 के ऊपर आर लिख गया, तो इसका मतलब कि यह वैल्यू जो है रेडियन में हो गई है। और इसको अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपका पहले से कैलकुलेटर मोड डिग्री में है, बस आप इक्वल कर दीजिए और यह डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो 3208.56 ये वैल्यू आपकी आ गई डिग्री में। लेकिन जैसे अगर आपको वैल्यू को डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तब आप करेंगे क्या, तो 3208 वैल्यू थी प्रीवियस, राइट, 3208.56। तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को कोशिश करेंगे चेंज करने की कि हम इसको कर दें रेडियन में। तो हम लिख देते हैं यहाँ पहले 3208.56, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इसको करना है चेंज रेडियन में, तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में लिख देते हैं, फिर हम रेडियन में चेंज करेंगे, राइट। तो हमको डिग्री में चेंज करने के लिए शिफ्ट के बाद ये आंसर दबाना होगा और यहाँ पर डी कर दिए, तो ये वैल्यू हमारी डिग्री में आ गई। देखिए ओ लिख गया ऊपर, 0 लिख। अब अगर इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमको पहले अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में लाना होगा, जिससे कि जो वैल्यू आए वो रेडियन में आए। तो हम यहाँ पर मोड पर क्लिक करेंगे और मोड पर हम ढूंढेंगे कि रेडियन कहाँ लिखा हुआ है, आर ए डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, डिग्री रेडियन ग्रेडियन है, तो यहाँ पर हमको रेडियन पे क्लिक करना है 2 पे। तो 2 बटन दबाएंगे, ये लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर साइड में ये जो ऊपर वैल्यू छोटी सी लिखी हुई है वो आर लिख गया हुआ है, तो मतलब कि जो भी आप डालेंगे वो रेडियन में आ जाएगा। तो ये डिग्री पहले से था, हम इसको इक्वल कर देते हैं तो रेडियन में आ गया। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 60, मतलब कि 60 के करीब वैल्यू है रेडियन में इसकी, राइट, 60 के करीब। और जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी, यहाँ पर देख सकते हैं कि 56, मतलब 56 ये वैल्यू थी रेडियन की, तो वो हमारी 3208 के करीब आई थी। तो मतलब कि हाँ सही है, अब जैसे भी रेडियन चेंज करता हो, मुझे तो पता नहीं, अगर हम पूरी वैल्यू लिखते तो शायद सेम वैल्यू आ जाता। हम और भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं, मान लेते हैं हम 1 है हमारे पास और 1 को हमें कन्वर्ट करना है, तो पहले हम 1 को डाल देते हैं डिग्री में, क्योंकि हमारा पहले से रेडियन मोड में है, और इक्वल कर देते हैं तो ये रेडियन में आ गया वैल्यू, ठीक। तो अगर यही आंसर, जो आंसर हमारा आया है, इसको हमें, चूँकि ये डिग्री में है, सॉरी रेडियन में है, तो अगर इस रेडियन वैल्यू को यहाँ पे हम शिफ्ट करके, हम करते हैं और इसको हम, क्योंकि वो वैल्यू रेडियन में है, तो हम आर कर देते हैं कि ये वैल्यू हमारी रेडियन की है, और इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम मोड चेंज कर लेते हैं, मोड में आ गए हम डिग्री में, और हम यहाँ पर इक्वल कर देते हैं, तो देखिए 1 आंसर आ गया। तो आपने देखा कि कैसे वैल्यू को हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, एकदम सिंपल। आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और अगली वीडियो में आप कैलकुलेटर के बारे में क्या जानना चाहते हैं वो भी कमेंट के जरिए बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।